हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास सिक्स प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर नंबर थ्री को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक्सरसाइज 3.7 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेनू परचेज टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मीजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर वन में हमको कहता है कि रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम के दो खाद बोरियों को खरीदती है। उस भार के उस बट्टे का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा नाप ले। मतलब हमें 75 और 69 को मीजर करने वाली ऐसी दो संख्याओं को निकालना है जो इनको कंप्लीट क्या कर ले, डिवाइड कर ले। लेकिन डिवाइड करने के साथ साथ हमारी ये जो संख्या होनी चाहिए वो अधिकतम होना चाहिए। मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है 75 और 69 का। तो 75 और 69 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी संख्या निकालना जो दी हुई संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर दे और सबसे बड़ी भी हो। तो हम 75 का और 69 का एचसीएफ निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसको 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारा 25, क्योंकि 25 3 से 75 एंड देन 5 5 से 25। अब नेक्स्ट अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें, 3 2 से 6, 3 3 से 9, तो 75 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, वो 5 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 होगा। और 69 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा 3 मल्टीप्लाई 23 के इक्वल होगा। तो इनके जो एस सी एफ की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 3 किलोग्राम। मतलब 3 किलोग्राम का यदि हम वेट को लें तो इन दोनों को वो कंप्लीटली क्या कर लेगा, दो खाद को कंटिन्यू मीजर कर लेगा, नाप लेगा। मतलब दोनों भारों को वो पूरा पूरा क्या कर लेगा, नाप लेगा। क्योंकि 3 एक ऐसा नंबर है, सबसे अधिक संख्या, बड़ी संख्या वो है जो 75 को भी डिवाइड कर देगी और 69 को भी डिवाइड कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कहता है कि 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर आर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड बी कवर सो दैट द ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। यहाँ पे 3 फ्रेंड है, एक साथ वो चलना स्टार्ट करते हैं और उनकी जो कदम की जो माप है, उनका जो फुट स्टेप का जो मेजरमेंट है, वो 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। तो इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वो पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। मतलब हमें एक ऐसी संख्या को फाइंड आउट करनी है जो सबसे छोटी भी हो और साथ ही साथ इन तीनों नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। मतलब हमें इस कंडीशन में लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो 63, 70 और 77 का हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे हमारा होगा 2, 2 और 70 को डिवाइड करेगा तो ये 35 और 7। नेक्स्ट नंबर देखते हैं तो ये हमारा 5, 7 से 35 और 7 एंड 63। अब ये ऑल नंबर्स हमारे 7 से डिवाइड होते हैं, 7, 9 या 63, 7 जो 7 एंड 11, और जो 9 है वो 3 से डिवाइड होगा तो हमारा नेक्स्ट 9, 1 और 11 को हम 3 3 जा 9 करते हुए यदि हम लिखें तो हमारे गिवन नंबर्स का जो एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, इट मीन 6930। तो 6930 हमारी वो संख्या होगी जो 63, 70 और 77 से कंप्लीट डिवाइड होगी और सबसे छोटी संख्या होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे, तो सभी को हमारा 6930 सेंटीमीटर न्यूनतम डिस्टेंस कवर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। जब यहाँ पे सबसे हमारा जो मेन है लॉन्गेस्ट स्टेप, मतलब हमें एक सबसे ऐसा लंबा फीता निकालना है
जो इन तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप ले, मतलब एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या को निकालना है जो इन तीनों दी हुई संख्याओं को, जो कमरे की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, यानी 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर को पूरी तरह नाप ले। तो हम यहाँ पे 825, 675 और 450 का अगेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। सबसे फर्स्ट हम इसे 3 से डिवाइड करें, 3 2 जो 6, 3 4 2 हमारा रिमेनिंग हुआ, तो 3 7 जो 21 एंड 3 5 जो 15। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जो 25, अगेन 5 5 जो 25, और ये हमारा आएगा 11। नेक्स्ट इस गिवन नंबर्स को हम 3 से अगर डिवाइड करें, 3 2 जो 6, 3 2 जो 6, 3 5 जो 15, अगेन हम देखें तो 5 2 7 2 9, यानी 3 से अगेन डिविजिबल होगा ये, क्योंकि इनका संख्याओं का योग जो है वो 3 से डिवाइड है। 3 7 जो 21, 3 5 जो 15, अगेन 3 2 जो 6, 3 5 जो 15, और ये 5 हमारा 5 5 जो 25 से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 से लें, 3 1 जो 3, 3 5 जो 15, 0, अगेन 3 से डिवाइड करें, 3 5 जो 15, एंड देन 5 से करेंगे तो 10 जो, एंड 2 5 जो 10। तो इन नंबरों में अगर हम कॉमन नंबर्स देखते हैं तो 3 सबके पास आ रहा है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में। नेक्स्ट नंबर हमारे पास ये 5 सबके पास आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में। अगेन हम देखें कि ये 5 भी हमारे पास सबके पास आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो इन गिवन नंबर्स का यदि हम एससीएफ निकालें, सबसे फर्स्ट हम एक्चुअली क्या करेंगे, 825 को 3 × 5 × 5 × 11 करते हुए हम इसे ऐसे करके क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल नंबर्स को हम इस पैटर्न में रिप्रेजेंट करने के बाद हमें देखना है कि गिवन नंबर में कॉमन कॉमन टर्म्स हमारी कौन सी है। तो इन गिवन नंबर्स में हमारी जो कॉमन टर्म्स आ रही है, सबके पास ये 3 आ रहा है, सबके पास हमारा ये 5 आ रहा है, और ये भी 5 हमारा सबके पास आ रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट एससीएफ ऑफ द गिवन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा होगा वो 75 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि एक 75 एक ऐसी संख्या निकलेगी जो सबसे बड़ी भी है और इन दी हुई तीनों संख्याओं को कंप्लीट क्या कर देगी, नाप देगी। तो यही वो लंबा फीता है जो इन कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा कंप्लीट क्या कर लेगा, एग्जैक्टली क्या कर लेगा, नाप लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। जैसे कि हम जानते हैं कि लीस्ट कॉमन फैक्टर हमारी एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे छोटी भी होती है और इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे हमें 3 अंकों की संख्या को निकालना है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम इस स्टेप क्या क्या करेंगे कि हम गिवन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद हम उसकी टेबल को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम एलसीएम निकालने का प्रोसीजर आप जानते हैं, इसको हम इस पैटर्न में लिखते हुए डिवाइड करते जाते हैं, 2 3 जो 6, 2 4 जो 12, 2 6 जो 12, ऐसे करके हम डिवाइड करें तो इनका जो एलसीएम होता है, हमारी एक गिवन संख्याएं होती है, गिवन नंबर्स होते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, तो 8 3 जो 24, इसका हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। अब हम 24 के टेबल को कंटिन्यू करते हैं, 24 1 जो 24 2 जो हमारा जो होगा वो 48 के इक्वल होगा, एंड 23 4 जो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जो 12, 72 आ जाएगा, एंड 24 4 जो हमारा कितना हो जाएगा, 96 होगा। नेक्स्ट यदि हम 24 5 जो करें तो 120 हो जाएगा। इस प्रकार हम 24 की टेबल को कंटिन्यू करेंगे। हमें अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिली चाहिए, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, 120 होगी। तो एलसीएम की इस टेबल में आने वाली हर ये संख्या इस प्रकार होगी कि जो 6, 8 और 12 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या 120 होगी, जो 6 से भी डिवाइड होगी, 8 से भी डिवाइड होगी और 12 से भी डिवाइड होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। अब हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर निकालना है जो कंप्लीट 8, 10 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो अगेन हम सबसे पहले छोटी संख्या निकाल लेते हैं जो 8, 10 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो 8, 10 और 12 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट संख्या यदि हमें निकालना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ता है, यानी एलसीएम को फाइंड आउट करना पड़ता है।
तो यदि हम एलसीएम फाइंड आउट करने के प्रोसीजर को लगाएं तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो हमारे ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। जब तक यहाँ कंपोजिट नंबर आते हैं तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है आपको। देन आफ्टर हमें क्या कर देना है, स्टॉप करना है। तो एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज 2 × 2 × 2 × 5 × क्या हो गया 3, तो इट इज 8 and 5 3 = 15, तो 15 8 हमारा आ गया 120। अब 120 की टेबल को हम कंटिन्यू करेंगे जैसे कि हमने पहले किया। तो 120 की इस टेबल को यदि हम कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो सबसे 12 8 96, मतलब ये 128 हमारा 1960 होगा। फिर उसके बाद हम करेंगे तो 1080 मिलने जाएगा। ओके, तो अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी आई, 960। तो 960 एक ऐसी संख्या होगी, सबसे बड़ी भी होगी और 8, 10 और 12 से कंप्लीट डिवाइड भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द ट्रैफिक लाइट एट 3 different roads क्रॉसिंग द चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट वॉट टाइम विल दे चेंजेस साइमल्टेनियसली अगेन। 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48, 72 और 108 सेकेंड के बाद बदलती है, तो पुनः वो एक साथ कब बदलेंगी यदि वो पहली बार एक बार 7 बजे बदले थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या को निकालना पड़ेगा, छोटी संख्या को, जो इन तीनों संख्याओं से एक साथ क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। वही वो समय होगा जहां पे ये तीनों एक साथ क्या होंगी, ट्रैफिक लाइट चेंज होंगी। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करने का प्रोसेस लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 24, 36 and 2 5s of 10 and 54। नेक्स्ट अगर लें तो 2 12 जा, एंड ये हमारे पास 18 2s of 36 और ये हमारा आ जाएगा 27। एंड देन 2 6s are 12, 2 9s are 18 एंड 27। अब 3 से हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 9s are 27। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 1s जा और 3 3s जा। देन एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर हमारा आया, 2 कितने टाइम्स आ रहा है आपका, 4 टाइम्स आ रहा है, एंड 3 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है। और इन संख्याओं का यदि हम मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो रहा है 432 सेकेंड। अब 432 सेकेंड को हम 60 से डिवाइड करें, जब हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं इसका मीनिंग ये हो रहा है कि हमें सेकेंड 7 बजे है तो कितने मिनट के बाद बदलना है। तो इसको हम ले 7 से 7 6 42, इट मीन्स 10 इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो रिमेनिंग हमारा बच रहा है 12। इसका मतलब ये होता है कि ये 7 मिनट और 12 सेकंड के इक्वल है। तो हमारी ट्रैफिक लाइट एक पहली बार कितने बजे बजी, एक साथ जली हमारी 7 बजे। तो नेक्स्ट टाइम हमारा होगा कि 7 o'clock, 7 मिनट एंड 12 सेकंड के बाद ये ट्रैफिक लाइट फिर से एक साथ जलेंगी। और अगला समय देखेंगे तो साथ में हो जाएगा 14 मिनट 24 सेकेंड के बाद फिर चलेगी, मतलब इसके मल्टीपल के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उतने टाइम में ही ये ट्रैफिक लाइट क्या होंगी, एक साथ बदलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 3 tankers contain 403 liters, 434 liters एंड 465 liters ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो हमारे पास 3 टैंकरों की जो कैपेसिटी है, उनकी धारिता है वो 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। अधिकतम धारिता वाला डीजल हमें निकालना है जो पूरा पूरा नापे, ऐसे नंबर्स, ऐसे बड़ा सा बड़ा नंबर निकालना है जो इनको कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो अगेन ऐसे नंबर्स हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। तो हम गिवन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना जो दी हुई संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर दे, तो हमेशा हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं तो ये 13 से डिवाइड हो जाता है,
13 3 39, और 1 रिमेनिंग तो 1 होगा। अब ये दोनों ही हमारे प्राइम नंबर आ गए। नेक्स्ट नंबर है हमारा 434, ये 2 से डिवाइड जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एंड 2 7 जा 14। नेक्स्ट ये भी नंबर हमारा 7 से जा रहा है, तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। अब ये तीनों ही नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स आ गए। नेक्स्ट ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3, 1 रिमेनिंग, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 से देखें, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। तो इन तीनों नंबर का अगर हमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हम सबसे पहले इन गिवन नंबर का क्या किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड को इस लिखेंगे। अब अगर देखें तो 31 सबके पास आ रहा है, तो 31 लीटर का यदि हम एक नाप ले तो ये तीनों संख्याओं को कंप्लीटली क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। यही हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 615 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे हम 615 और 18 से भाग देते तो प्रत्येक दशा में 5 शेष रह जाए। तो पहले हम एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो 615 और 18 से कंप्लीट डिवाइड हो। तो हम 615 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। 2 3 जा 6, 15 एंड 2 9 जा, अब 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 3 जा 9। तो इन गिवन नंबर्स का हमारा एलसीएम आया, इट इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 2 जा 90। अब ये 90 ऐसी संख्या निकली जो 16 15 6 5 और 18 तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। अब रिमाइंडर शेष रहे तो यदि हम इसमें 90 में प्लस 5 कर देंगे तो हमेशा वो संख्या निकल आएगी जिससे हम 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और 18 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा। जैसे हम इसको देखें तो 6 5 जा 30, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 5। 15 से देखें तो 15 6 जा 90, रिमाइंडर 5 बचा। 18 5 जा 90, रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 5। तो जब भी हमें ऐसी संख्या निकालने बोले तो जो भी शेषफल है उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम हमेशा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐसी वो संख्या निकल जाएगी जिसमें हमारा इस प्रकार का शेषफल बचता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32। हमने आपको बताया कि इन संख्याओं से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या सबसे पहले हम निकाला करेंगे जब भी हमारा इस पैटर्न का क्वेश्चन निकालने बोले कि 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18 24 32 से विभाज्य। तो पहले हम इन संख्याओं का जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का प्रोसीजर के लिए हम सबसे पहले इस पैटर्न में लिखते हैं, एंड देन 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, एंड देन 2 से अगेन डिवाइड करें, 3 जा एंड 4 जा, अगेन 3 से लें तो 3 3 जा 9, 1 एंड 4, और यहाँ पे 4 आया मीन्स 2 2 जा 4 लेते हुए अगर हम इनका एलसीएम को निकालते हैं तो एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर हमारा आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हम 2 हमारे पास 5 टाइम्स आ रहा है एंड 3 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो 32 एंड ये हो गया 9, तो 32 9 जा, यदि हम करें तो ये हमारा 288 आ गया। 288 की टेबल हम कंटिन्यू करेंगे। अगर हम टेबल में कंटिन्यू करते हुए इसको इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1152 आ रहा है हमारा। तो 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर इसकी टेबल में यही हमारी संख्या मिलती है 1152। तो 1152 वो नंबर होगा जो इन चारों तीनों अंकों से जो होगा कंप्लीटली डिवाइड होगा और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखें तो हमारे पास इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है जिसमें प्रत्येक में एक संख्या ऐसी है जो 3 का मल्टीपल है। तो क्या हम इसमें से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनका लघुत्तम समापवर्तक भी ऐसा आएगा जो 3 के टेबल में है। तो 9 एंड 4 का यदि हम एलसीएम देखें तो 2 2 जा 4, 9 डिवाइड नहीं जाता,
एंड 3 3 इज 9 और ये हो गया 2। एंड देन सिमिलरली हम 12 एंड 5, 6 एंड 5 एंड 15 एंड 4 के एलसीएम को निकालेंगे। इस प्रकार हमने इनका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर 9 एंड 4 का यदि हम एलसीएम देखें, 3 2 जो 6, 6 3 18, 18 2 जो 36 आ रहा है इसका। एंड 15 एंड 5, 12 एंड 5 का देखें तो 5 3 जो 15, 2 जो 32 जो 60 आ रहा है। एंड 6 और 5 का आप देखोगे तो 5 3 जो 15, 2 जो 30 के इक्वल आ रहा है। एंड 5 2 जो 10, 2 जो 20 एंड 23 जो 60 के इक्वल है। और ये सभी संख्याएं जो हैं वो 3 का क्या है, एक मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड भी हो जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि इन अगर किसी संख्याओं में अगर कोई एक संख्या 3 का गुणज है, मल्टीपल है, तो उनका जो एलसीएम भी है वो 3 का मल्टीपल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर के फैक्टर में आ रहा है। जैसे कि 5 जो है वो 20 का फैक्टर है, 6 18 का फैक्टर है, गुणनखंड है, 12 48 का गुणनखंड है, 9 45 का गुणनखंड है। आप इसमें से क्या रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं ये देखना हमें। जैसे हम 5 और 20 का अगर हम एलसीएम को निकालें तो 5 1 जो 5, 5 4 जो 20, हमारा एलसीएम आ रहा है 20 आ रहा है। नेक्स्ट यदि हम 6 और 18 का एलसीएम निकालें तो 6 1 जो 6, 6 18 आ रहा है, इनका एलसीएम 18 आ रहा है। तो 20 अगर देखें तो ये बड़ी संख्या, 18 यहाँ पे देखें तो ये बड़ी संख्या। मतलब यदि एक संख्या दूसरी संख्या का फैक्टर होती है तो इनका जो एलसीएम होता है वो बड़ी संख्या ही होती है। जैसे 12 4 जो 48, इनका एलसीएम कितना आना चाहिए, 48। 9 5 जो 45, 9 जो है 45 का फैक्टर है, तो इनका एलसीएम भी हमारा कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। अगर हम इसको फिर से अगर प्रोसीजर करके देख ले, 3 3 जो 9 एंड ये हमारा 15 हो गया, एंड 3 से अगेन डिवाइड करें, 3 1 जो 3, 5 जो 15, तो इनका जो एलसीएम होगा 5 3 जो 15, 3 जो 45। तो हम यहाँ पे प्राप्त परिणामों से, इनके रिजल्ट से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का फैक्टर होता है तो जो बड़ी संख्या हमारी जो होती है जिसका वो फैक्टर है वही उन दी हुई संख्याओं का जो होता है एलसीएम होता है।